अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शू ऑर्गेनाइजर्स का रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि ये आप वीडियो में देख सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल हैं। ये वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र भी इन्हें कह सकते हैं, शू ऑर्गेनाइज़र भी कह सकते हैं। लाजमी नहीं कि इनमें आप शूज़ ही सिर्फ आप पैक करें, इनमें और भी चीज़ें पैक की जा सकती हैं, जिस तरह लेडीज़ क्लच होते हैं, पर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आप उनमें इनमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनमें दो कलर्स अवेलेबल हैं, एक ये बेज कलर है, इसमें डिफरेंट कलर्स की जिप आती है, ये ब्लैक कलर है, वाइट कलर और ब्राउन कलर, और ये एक डिफरेंट शेड है, ये ग्रे है, लाइट ग्रे कलर, और इसकी जो पाइपिंग है वो बेज में हुई हुई है। और इसके ऊपर ये जैसा आप देख सकते हैं जिप है, ताकि आप इसे मुकम्मल तौर पर अपनी चीज़ को इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकें। ये दोनों साइडों से नॉन वूवन फैब्रिक है, आपको मैं पास से करके भी दिखाऊं। ये नॉन वूवन फैब्रिक है और ये देखें, ये बेज कलर या लाइट ब्राउन कलर भी आप कह सकते हैं। काफ़ी सॉलिड इसमें जिप लगी हुई है, ये देखें काफ़ी बड़े साइज़ की जिप है। जो छोटे साइज़ की जिप होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, और फाइन स्टिचिंग की गई है और एजिंग लगाई गई है। खाली ये जो साइड हैं ये स्टिच नहीं की गई, ये एजिंग इसके ऊपर लगाई गई है सेम फैब्रिक की। इसमें बेज में जो है वो सेम फैब्रिक की लगी है, और जो ये ग्रे कलर का इसमें कंट्रास्ट में बेज कलर की लगाई गई है पाइपिंग। ये आपके सामने चार, इसमें दो कलर्स हैं और एक कलर में तीन कलर्स की जिप आती है डिफरेंट, और एक में एक वाइट कलर की आ रही है। आइए अब मैं इसमें आपको एक शूज़ भी रख के दिखाता हूँ, लेडीज़ शूज़ मैं रखता हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जेंट्स शूज़ भी इसमें रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, ये आपके ट्रैवलिंग में भी काम आता है। जिस तरह आप ट्रैवल करते हुए सूटकेस में अपने जूते वगैरह और रखना चाहते हैं तो आप इनमें पैक करके इजीली रख सकते हैं, इवन अपने बेड्स के नीचे या आप अलमारी के अंदर, वार्डरोब के अंदर, शू रैक के अंदर, ताकि वो गंदे ना हो, मट्टी ना पड़े, आप इनको रख सकते हैं। आइए अब इसमें शूज़ रख के देखते हैं। ये एक लेडीज़ शूज़ हैं, ये मैं आपके सामने इसमें रख के आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये कितने इजीली इसमें शूज आ गए, और अभी भी एक लेंथ में काफ़ी साइज है। मैं अब ये इसको मैयर करके भी आपको दिखाऊंगा, आप इसे इजीली कैरी भी कर सकते हैं, इस तरह हाथ में पकड़ भी सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ये वार्डरोब के लिए ऑर्गेनाइजर्स हैं, ट्रैवलिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको मैयर करके दिखाता हूँ, ये देखें जिप खोल ली मैंने, चलिए तो इसको मैयर करते हैं। अप्रोक्सीमेट मैयर होगा क्योंकि हर बैच में थोड़ा सा जो साइज डिफरेंस है वो आ सकता है। ये तकरीबन 14 इंच इसमें आ रहा है, लेकिन 13 इंच हम इसे कंसीडर करते हैं, कई दफ़ा 1.25 इंच हो जाता है, 13.25 इंच हो जाता है, और कई दफ़ा 13.5 इंच हो जाता है, और विड्थ जो है वो 10 इंच, तकरीबन आप 9.5-10 इंच कंसीडर कर लें, लेकिन एनफ स्पेस है जेंट्स के शूज़ के लिए भी। इवन आप इसमें जो आपके ट्रेनर और जॉगर्स वगैरह होते हैं जो बड़े साइज़ के होते हैं, वो आपका एक ही शायद आए इसमें, और जो लेडीज़ शूज़ होते हैं या जो आपकी चप्पल वगैरह होती हैं, जो जेंट्स के फॉर्मल शूज़ होते हैं, वो दोनों आ सकते हैं। अगर वो एक में ना आए, बड़े साइज़ के हैं, तो फिर आपको अलग अलग पैक करने पड़ेंगे। ये काफ़ी अच्छी और यूनिक चीज़ है, आपके चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में हेल्प आउट कर सकती है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।